हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग। इस वीडियो में बेल्ट्रॉन स्पेशल एक क्लास है जिसमें एमसीक्यू बेस एक क्लास होगी, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन होंगे जो बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में आ रहे हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। ये क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल की क्लास है जिसमें कि एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट प्लस फंडामेंटल मिक्स है। क्योंकि जो आपका पेपर हुआ था 27 तारीख और 30 तारीख नवंबर में, ये सब हुए थे एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट स्पेशल थे। लेकिन जो 10 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें क्या था कि फंडामेंटल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल बेसिक जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग 8 से 10। तो इसी 8 से 10 नंबर को टारगेट करते हुए इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। वेयर द डिस्क पुट टू इनेबल द कंप्यूटर टू रीड इट। तो रीड करने के लिए कहाँ पुट किया जाता है, वो डिस्क ड्राइव में पुट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए हार्डवेयर क्या होता है। जिस भी चीज़ को हम छू सकते हैं, अपने हाथ से टच कर सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो टच आप किस किस चीज़ को कर सकते हैं। माउस को आप टच कर सकते हैं, प्रिंटर को आप टच कर सकते हैं, मॉनिटर को आप टच कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। एक्सेल आपका हार्डवेयर नहीं है, एक्सेल बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंदर का सॉफ्टवेयर है एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम यूनिट। इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का पार्ट है। तो जो सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी से रिलेटेड एक और एब्रीवेशन है एएलयू, ठीक है। क्योंकि एएलयू सीपीयू का पार्ट होता है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एक होता है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आईटी स्टैंड फॉर, तो आईटी स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी क्यों स्टैंड करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्मॉल फिगर विच डिपिसिट सम एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन, उसको क्या कहा जाता है। वो स्मॉल फिगर जो डिस्पिट करता है सम एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन, उसे कहा जाता है आइकन। उसे क्या कहा जाता है, उसे आइकन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ यू कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन, जो आपका पर्सनल फाइल होता है, पर्सनल फोल्डर होता है, उसको आप कहाँ रखते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स में रखा जाता है, ठीक है। आपका जो पर्सनल फाइल है, फोल्डर होता है, उसको कहाँ रखते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न इनटू, जो आपका प्राइमरी पर्पज होता है, डाटा को किस में टर्न करते हैं, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी को कहते हैं सब डायरेक्टरी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर को फंक्शन को कहते हैं नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। तो उसको कहते हैं एक्सक्यूटिंग, ई एक्स ई सी यू टी आई एन जी, एक्सक्यूटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर आर द इनटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या होता है भैया, वही जो प्रिंटआउट होता है आउटपुट का, द प्रिंटेड आउटपुट को ही क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक अ कंप्यूटर इजियर टू यूज। वो कौन सा प्रोग्राम होता है जिससे कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है यूटिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बेल्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज, वो क्या होता है भैया, यूटिलिटी होता है, ठीक है। अ कंप्यूटर क्या, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकन चिप, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहेंगे आईसी। आईसी स्टैंड करता है इंटीग्रेटेड सर्किट को, ठीक है। वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर होते हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं ऑन स्मॉल सिलिकन चिप्स, उसको कहते हैं आईसी सर्किट।
कंप्यूटर सिस्टम कंपैरिजन ऑफ, तो कंप्यूटर सिस्टम कंपैरिजन होता है हार्डवेयर, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो एरर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोग्राम के एरर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम के एरर को बग कहते हैं। ठीक है, बेल्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास कर रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन की क्वालिटीज बिल्कुल बेल्ट्रॉन स्पेशल क्वेश्चन है। जो एरर होता है कंप्यूटर में उसको क्या कहा जाता है? उसको बग कहते हैं। आउटपुट क्या होता है? द प्रो आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट? द प्रोसेसर गिवन टू द यूज़र, जो प्रोसेसर यूजर के द्वारा दिया जाता है उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रोसेसर है यूजर को जो देता है, जैसे इनपुट क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसके द्वारा देते हैं? या तो माउस से देते हैं या कीबोर्ड से देते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। आउटपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें यूजर को देता है वो क्या होता है? वो आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु राइट एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको क्या कहा जाता है? वो पर्सन जो राइट करता है, टेस्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? PROGRAMER, प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लायर ट्रांसलेटर अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, जो कंप्लायर ट्रांसलेटर होता है जो कि रिटन होता है हाई लेवल लैंग्वेज से, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, यानी कि जो कंप्लायर ट्रांसलेटर होता है, कंप्लायर ट्रांसलेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट, उसको कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। व्हेन यू टर्न ऑन कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म द टेस्ट सेल्फ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? अ डैश इज अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, अ डैश इज अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं फाइल नेम। उसको क्या कहा जाता है? उसको फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्डवेयर इंक्लूड, हार्डवेयर क्या इंक्लूड करता है? द कंप्यूटर एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू इट दैट यूज्ड टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड्स दैट एक्सप्लोर द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, उसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑल द डिलीटेड फाइल गो टू, जो सभी डिलीटेड फाइल होती है वो कहाँ जाती है? भैया आप अपने सिस्टम में कोई भी फाइल डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा रिसाइकिल बिन में। कहाँ पे जाएगा? रिसाइकिल बिन में। यदि मैं अपने सिस्टम से किसी भी फाइल को डिलीट करूँगा तो वो फाइल कहाँ जाएगी? वो फाइल जाएगी आपकी रिसाइकिल बिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। द साइमटेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू आर मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर, उसको कहा क्या जाता है? उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। उसको क्या कहते हैं? उसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम, द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम, उसको पासवर्ड कहते हैं। भैया आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें पासवर्ड डालते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन डालते हैं किसी प्रोग्राम को, तो उसको पासवर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर यूजेज द बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर यूजेज द बाइनरी नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है, कंप्यूटर क्या किसका यूज करता है? भैया कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें आता है 0 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, द मेन फंक्शन ऑफ ALU का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ALU का फंक्शन होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। टू परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो आपको एब्रिवेशन इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे आपको और मैं बता दूं, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, PROM यानी कि PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और एब्रिवेशन पूछते हैं EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, उसको कहते हैं प्रोग्राम। उसको क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। व्हाट मीनू सेलेक्टेड टू प्रिंट उसको कहते हैं फाइल मीनू। किस मीनू को सेलेक्ट किया जाता है प्रिंट के लिए? वो होता है आपका फाइल मीनू, ठीक है। बैकअप क्या होता है? बैकअप यानी कि प्रोटेक्टिंग डाटा, बैकअप यानी कि प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। बैकअप का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू द डिफरेंट डिजाइनेशन। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर द टर्म बिट इज स्टैंड फॉर द बिट होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब बिट पूछ लिया तो ये भी जान लीजिए, MB होता है मेगाबाइट, TB होता है टेराबाइट, KB होता है किलोबाइट, GB होता है गीगाबाइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 56, अ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज, सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज फाइल, अ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज फाइल। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट एसेस यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि सर्च इंजन। सर्च इंजन का मैं एग्जांपल बता दूं, सर्च इंजन जैसे कि गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? सर्च इंजन है। बिंग क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास कौन सा फंक्शन होता है? तो ये फंक्शन होता है टू प्रोवाइड वेरियस सपोर्ट सर्विस फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। इट प्रोवाइड वेरियस सपोर्ट सर्विसेज टू द कंप्यूटर सिस्टम। पेज प्रिव्यू मोड क्या होता है? इन पेज प्रिव्यू मोड यू कैन सी ऑल द पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। पेज प्रिव्यू मोड में क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 59 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेज प्रिव्यू मोड क्या होता है? यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 60, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन बी मल्टीटास्किंग, मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट कैन डू मल्टीटास्किंग, यानी कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, मींस दैट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सर्वर प्रोग्राम कैन बी ऑपरेटेड कॉनकरेंटली, यानी कि सर्वर प्रोग्राम कैन बी ऑपरेटेड कॉनकरेंटली। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।